हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी क्या है कि मैंने अभी अपना माय रूट बुकिंग ऑन किया हुआ है और ऑफिस से निकला था। ऑफिस से निकलने के बाद मुझे एक बुकिंग मिली थी, लेकिन वो एक्चुअली क्या था, कोई 3 या 4 किलोमीटर दूर था। मैं गया भी आगे, काफ़ी आगे तक, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। आज है डेट 18 और टाइम हुआ है 6:54, मतलब 7 बज रहे हैं। अभी मैं क्या है, मैं एक्चुअली लाइव हूँ इस समय दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जा रहा हूँ। फरीदाबाद मेरा घर है, तो मैं अगर कोई राइड मिलेगी तो लूँगा, मिलेगी तो। वैसे होम रूट लगा रखा है, होम रूट में ही लूँगा, क्योंकि मुझे घर ही पहुँचना है टाइम से। थोड़ा सा मेरा यार होल्डर है ना, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ये घूम जाता है, तो इसको टाइट करके, नहीं तो मैं इसको इधर से इधर लगाऊंगा। ये फ़ोन मेरा गिर गया था, गिर के थोड़ा सा हल्का सा ऊपर टेम्पर इसका टूट गया है, इसे टेम्पर भी चेंज करवाना है मुझे, और मैं थोड़ा सा डर लगता है कहीं गिर ना जाए। ये आ गया फरीदाबाद का टोल, बदरपुर फरीदाबाद का टोल है ये। हाँ, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यार आज, कोई ट्रकों की नो एंट्री है इसलिए नीचे शायद जाम लगा हुआ है, खराब है इधर। गाड़ी वाला कहाँ घूमेगा यार। ये है विजय सेल्स, विजय सेल्स है, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स वगैरह, टीवी वगैरह सब मिलता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। तो मेवला मराठपुर फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, तो पीछे का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लोग हाईवे है, हाईवे पे बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, तो इसलिए मुझे साइड भी देखना पड़ता है थोड़ा सा। ये रहा, अब ठीक है, मुझे लगा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये रोड पर हाईवे पे लगा दिया इन्होंने, इंडियन फ्लैग की तरह लगा हुआ है। इसमें है बड़खल मोड़ मेट्रो स्टेशन, अगर मैं अंदर लेता हूँ तो राइड मिलेगी, मुझे वैसे जाना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। ये जो फ्लाईओवर है, ओल्ड फरीदाबाद का फ्लाईओवर है, काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, इधर भी लगा रखा है इन्होंने, इधर भी लगा रखा है, ओल्ड फरीदाबाद में भी, मतलब तो फरीदाबाद के अंदर लगा रखा है इन्होंने। पहले तो मैंने यूपी के अंदर नोएडा में देखा था, सेक्टर 62 वाले फ्लाईओवर पे। तो यार बिना हेलमेट चलते हैं, इनका पता नहीं चलान क्यों नहीं होता इनका। ये रहा ओल्ड फरीदाबाद का मेट्रो, ये 15 हाउसिंग सिक्टी फोटो। चलो एक ऑर्डर आ गया, अभी भी एक ऑर्डर आया मेरे पास, तो चलते हैं जरा। 11 मिनट दिखा रहा है, 5 किलोमीटर है यहाँ से, सेक्टर 15। ओ माय गॉड, ये पानी कहाँ से आ गया यार इतना। अफो, वन एंड हाफ किलोमीटर कितना चलने का। एक मिनट, हेलमेट का जो ग्लास है ये साफ नहीं है थोड़ा, कहाँ चलता हूँ, शायद वहाँ से कोई राइड मिले। मैंने गलत ले लिया था, एक्चुअली क्या था कि मैं ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जैसे मैंने पिक किया, वो मेरे से मिस हो गया, वो किसी और ने पिक कर लिया मुझसे पहले। तो होता क्या, जब कोई पिक कर लेता है तो वो हमारे पास आता नहीं, मिस हो जाता है। लेकिन एक रैपिडो ने हेल्प कर रखा है, हेल्पिंग के लिए दिया हुआ है इसमें, कि अगर आपको राइड चाहिए तो आप उससे क्लिक कर दो, तो आपको उस लोकेशन पर पहुँच जाओ, तो वहाँ आपको राइड मिल जाएगी। मैंने वही कर दिया अचानक, और मुझे लगा कि मैंने राइड वाली जगह पर जा रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर 15 से सेक्टर 16 की राइड थी।
एक आई तो है यार राइड, अभी राइड क्या है मुझे पता नहीं। ओहो चलो चलते हैं, देखते हैं भाई कोई राइड आती कि नहीं आती है। मतलब कैसे उठा लिया फट से, क्या हो रहा है मिल गई। चलो चलते हैं आगे, एक राइड आई, जाना कहाँ है इन्होंने। ये क्या रहा है, फिर कैंसिल हो गई ऑर्डर। ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था मैंने, ले लिया था और गो लोकेशन कर दिया था, कट गई। इसने देखो कहाँ की ऑर्डर था, अभी जो आई थी आज़ाद कॉलोनी सेक्टर 15 से वहीं पर था, आसपास का ही था। 28 रुपीज़ की राइड थी, वो कैंसिल हो गई अपने आप, क्या उन्होंने कैंसिल कर दी। चलो ये मैं सोच रहा हूँ ये ग्लव्स निकाल देता हूँ, अब देखता हूँ जैसे आएगा मैं उठा लूँगा। अरे बार बार राइड आ रही है, बार बार राइड चली जा रही है। ये ब्रॉडकास्टिंग वाली नहीं था, मैंने पिक कर लिया था तुरंत, और जैसे मैंने उठाया वैसे कट गई। तो नीलम मेट्रो आ गया, पेंटिंग देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, ये हर खंबे पे, मेघालय कुछ खंबों पे छोड़ छोड़ के खंबों के ऊपर उन्होंने पेंटिंग बना दी है, तो ये पेंटिंग काफ़ी अच्छी बनाई उन्होंने। तो सब एक राइड आ गई, तो हम चलते हैं जरा नीलम फ्लाईओवर से राइट लेकर के, देखें इन्होंने कहाँ जाना है। हाँ जी हाँ जी, बस आ गया सर, 5 मिनट और। ठीक है सर, ठीक। है आज हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है आ गया आ गया। कहाँ चलना सर, बाहर निकल लो आ जाएगा, थोड़ा घुमा के निकलना। चलिए अच्छा यहाँ से काट लूँ, ठीक है ठीक ठीक है।
अच्छा आगे बता देना मुझे। अच्छा दे दीजिएगा मुझे, दे दीजिए ठीक 108। अरे काम बहुत चल रहा है यहाँ से, मुझे निकालना पड़ेगा इसका मतलब, इसी रेड लाइट से अंदर लेना पड़ेगा मुझे। ठंड है और जैकेट की आगे वाली चेन टूट गई, मैंने बैग आगे कर लिया जिससे कि ठंड न लगे। यार क्या करें, तो घर तो आ ही गया था। ये बड़ा